हैप्पी दिवाली। चलिए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो भारत में है जो रावण की पूजा करता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसा गांव जो रावण की पूजा करता है। क्या है पूरी कहानी, देखें इस वीडियो में। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ। न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रेटर नोएडा से करीबन 15 किलोमीटर दूर बसा बिसरख गांव और दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे रावण के गांव के रूप में जाना जाता है, बिसरख गांव में भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर भी है, जहां पर रावण के दादा पुलस्त ऋषि के तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वहीं रावण के पिता मुनि विश्ववाक की तपोभूमि और जन्मभूमि भी यही गांव है। कहा जाता है कि रावण और उसके सभी भाइयों का जन्म भी बिसरख गांव में ही हुआ था। इसी के चलते ग्रामीण के लोग दशहरे के अवसर पर ना तो रामलीला का आयोजन करते हैं, ना ही रावण का दहन करते हैं। बिसरख ये गांव रावण की जन्मस्थली होने के कारण यहां के निवासी ना तो रामलीला का आयोजन करते हैं, न ही यहां पर रावण, कुंभकर्ण या मेघनाथ का पुतला दहन होता है। कुछ सालों पहले गांव के निवासियों ने रामलीला का आयोजन किया था, जिसके बाद अचानक से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दोबारा फिर कभी भी रामलीला का आयोजन नहीं किया गया, न ही रावण का दहन किया गया। बिसरख गांव की एक अनूठी परंपरा ये है कि यहां रावण को एक महान विद्वान और शिव भक्त के रूप में सम्मानित किया जाता है। यहां के निवासी दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं करते, बल्कि शोक मनाते हैं। बिसरख में रावण और उनके पिता विश्रवा ऋषि से जुड़े कई धार्मिक स्थल हैं। यहां का प्रमुख आकर्षण है विश्रवा मंदिर, जिसे महर्षि विश्रवा की तपोभूमि माना जाता है। इस मंदिर में लोग विशेष रूप से शिव पूजा करते आए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि रावण ने भी यहीं पर शिव की पूजा की थी। रावण की जन्मस्थली होने की वजह से यहाँ के ग्रामीणों में रावण के प्रति अटूट श्रद्धा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम की पूजा करने के साथ साथ रावण की भी पूजा की जाती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि रावण महाज्ञानी था और शिव का परम भक्त था। आज बिसरख गांव धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन यहां की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान अभी भी जीवित है। हर साल दशहरे के समय यहां खास आयोजन होते हैं और देश भर से लोग यहां रावण के जन्म स्थल को देखने आते हैं। इस गांव की परंपराएं और रावण का सम्मान एक अनोखी बात है, जो इसे बाकी के जगहों से अलग बनाती है। ये गांव हमें ये सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल एक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। रावण के चरित्र में विद्वता, पराक्रम और शिव भक्ति जैसे गुण भी थे, जिसे बिसरख के लोग आज भी सम्मान के साथ याद रखते हैं। तो अगर आप इतिहास या फिर पौराणिक कथाओं के शौकीन हैं, तो बिसरख गांव आपके लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस हो सकता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां आप रावण के व्यक्तित्व के एक नए पहलू को जान सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।